गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 1.3 हम करा रहे थे पिछली क्लास में, तो उसके मैंने एक दो क्वेश्चन बताए थे और बोला था दो क्वेश्चन वो तुम्हें खुद करने हैं। तो उसमें कुछ बच्चों को डाउट है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है और 3 में भी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट करा देता हूँ, उसी में क्वेश्चन नंबर 2 जैसा भी एक पार्ट आ जाएगा तो उससे हो जाएगा। दो क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का एक फर्स्ट फर्स्ट पार्ट है कि प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। ये हमें प्रूव करना है कि 1/√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे पहले किया था ऐसे ही करना है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको रेशनलाइज कर दें। पहले तो कैसे रेशनलाइज करेंगे, 1/√2 इंटू √2/√2। रेशनलाइज करना सभी जानते हो, जो नीचे वाली डिजिट है उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बना के। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2/2, क्योंकि √2 इंटू क्या होता है, √2 इंटू √2 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू √2 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इफ पॉसिबल, कब पॉसिबल है, इफ पॉसिबल लेट 1/√2 बी 1/√2 बी रेशनल देन, इसको हम फर्स्ट मान लें, फर्स्ट इक्वेशन बी रेशनल देन फ्रॉम फर्स्ट 1/2 इंटू √2 इज रेशनल, क्योंकि ये इसी क्योंकि इसी को सिर्फ जो है रेशनलाइज कर दिया। अगर ये रेशनल है, कौन सा 1/√2 रेशनल है, तो ये भी रेशनल ही होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इफ टू इज रेशनल। तो देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इफ टू इज रेशनल, ठीक है, तो 1/2 इंटू √2 ये हम कर सकते हैं, ये भी रेशनल होगा, इज रेशनल, ये भी रेशनल होगा। क्यों क्यों होगा, कि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल्स इज रेशनल, क्योंकि दो रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, दो या कितने भी रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, ये तो है। अब देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ 2 से 2 खत्म हो गया, जब 2 से 2 खत्म हो गया तो क्या आ गया, √2 इज रेशनल आ गया। बट √2 हम पिछली एक्सरसाइज में प्रूव कर चुके हैं कि ये क्या है, पिछली नहीं इसी एक्सरसाइज में जब हमने √5 किया था, तो √2 का मैंने क्वेश्चन दिया था, तो ये क्या है, ये तो रेशनल है ही नहीं। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट √2 इज रेशनल, कि कॉन्ट्राडिक्ट तो एक कहता है कि √2 जो है वो क्या है, रेशनल है। ठीक है, बस इसके नीचे अब सिर्फ हमें वही लाइन लिख देनी है कि द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बाई एज्यूमिंग √2 इज रेशनल, हैंस टू 1/√2 इज रेशनल, हैंस 1/√2 इज इरेशनल। उससे भी आसान है, क्यों, क्योंकि ये हमें वहाँ से प्रूव है, ये हमें आगे प्रूव नहीं करना है कि √2 इरेशनल, हमें पता है कि ये इरेशनल है। तो सिर्फ वही कॉन्ट्राडिक्ट हमें यहाँ लगाना है, कि हमें तो पता है कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज रेशनल, क्योंकि √2 इज इरेशनल। ठीक है, ये तो हमें पता है क्योंकि हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बाई एज्यूमिंग 1/√2 इज रेशनल, हैंस 1/√2 इज इरेशनल, कि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है,
वो गलत है कि 1/√2 क्या है, रेशनल है, तो वो क्या है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, तो हैंस 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, बस इतना ही है, उससे भी आसान है। चलिए इसका अब एक है थर्ड पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, वो भी कर लेते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज बिल्कुल खत्म। देखो इसके बाद है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है इसका, कि प्रूव दैट 6+√2 इज इरेशनल। ये हमें प्रूव करना है कि 6+√2 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वो ही, लेट अस अज्यूम 6+√2 इज रेशनल, कि हमने मान लिया 6+√2 क्या है, रेशनल है। ठीक है, 6+√2 क्या है, रेशनल है। चलिए अब अगर 6 क्या है, लेट अस एज्यूम 6+√2 इज रेशनल, 6 इज रेशनल, क्योंकि 6 क्या है, रेशनल नंबर है, तो क्या होगा कि 6 - 6+√2 इज इरेशनल, इज रेशनल, कि ये भी रेशनल होगा। ठीक है, नहीं एक मिनट, ऐसे नहीं, ये 6+√2 - 6 इज रेशनल, क्यों, क्योंकि डिफरेंस ऑफ रेशनल्स इज रेशनल, कि जो दो रेशनल नंबर का जो डिफरेंस आता है वो भी रेशनल नंबर होता है। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें, 6+√2 - 6, 6 से 6 खत्म हो जाएगा, तो √2 इज रेशनल, तो √2 क्या आ गया, रेशनल आ गया, बट ये तो रेशनल नहीं है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल, तो √2 तो इरेशनल है क्योंकि पहले हम प्रूव कर चुके हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। वही लाइनें हैं सब, इनकरेक्ट अजम्पशन दैट 6+√2 इज रेशनल। ठीक है, हेंस 6+√2 इज इरेशनल, बस हो गया सॉल्व, क्योंकि रेशनल और रेशनल का डिफरेंस, रेशनल और रेशनल का प्रोडक्ट रेशनल ही होता है। ठीक है, तो ये आ गए √2 के आ गए, यहाँ से √2 इरेशनल आ गया, क्योंकि ये तो √2 हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, यहाँ से √2 आया। अब डिफरेंस, अगर दो रेशनल का डिफरेंस क्या होता है, रेशनल ही होता है। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस कर दें तो 6 से 6 खत्म हो गया, तो √2 क्या आ गया, √2 इज रेशनल आ गया। अब √2 रेशनल आ गया, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट 6+√2 इज रेशनल, हैंस 6+√2 इज इरेशनल नंबर। बस इतना ही है इस एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज खत्म है, जो डाउट था वो हो गया, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे, सिर्फ वहाँ पर रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, और ज़्यादा उससे कुछ नहीं है। ठीक है।